नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका। हम पढ़ रहे हैं पर परसेंटेज फॉर राजस्थान पटवार। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 62 तक कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमें ए बी तथा सी के वेतन में 2:3:4 के अनुपात में है। मतलब ए बी सी का वेतन क्या है हमारे पास 2:3:4 के अनुपात में। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 15% व 25% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, करते हैं हम इसको। ए बी सी का वेतन दे रखा है हमें, तो यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं। कौन कौन हैं? ए बी एवं सी, तीनों अनुपात में दे रखे हैं। इनका जो वेतन दे रखा है, इनकम दे रखी है, वो तीनों अनुपात में दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा हम दूर दूर लिख लेते हैं। ठीक है, उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि टाइम बचेगा और जगह की बचत होगी। ठीक है, देखिए 2:3:4 ये हमें दे रखा है। हमें बताया जा रहा है कि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 15% व 25% की वृद्धि की जाती है। 5% की वृद्धि किस में होती है? जिसका रेशियो 2 है, मतलब ए। फर्स्ट जो पर्सन है यहाँ पे, पहला जो व्यक्ति है हमारे पास ए, उसकी जो इनकम है उसमें 5% की वृद्धि की जाती है। तो 5% की वृद्धि करेंगे तो 105% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख देते हैं इसको, 105% निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात में दे रखा है ये हमें। ठीक है, तो इनके बीच में अनुपात लगा दीजिए। अब बात किसकी की जा रही है? तीन वाले की, मतलब जिसका 3 रेशियो है, मतलब जो व्यक्ति है हमारे पास, दूसरा व्यक्ति है बी, उसकी बात की जा रही है। उसमें वृद्धि होती है, उसके वेतन में वृद्धि होती है 15% की। तो 15% की का मतलब ये हो गया कि 115% की वृद्धि होगी, 100 डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में बात की जाती है सी की, तीसरे व्यक्ति की, जिसका अनुपात है 4:4 है। इसमें 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्रतिशत हटा देंगे और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। हमें पता है तीनों में रेशियो में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। नियम ये कहता है कि जब तीनों में सेम आता है तो डिजिट कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, 210 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 345। कितना आ जाएगा? 345। 125 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब कैंसिल कैसे हो रहा है देख लीजिए, हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। बात आ गई समझ में? उसके बाद में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 69, और ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में? 42:69:400। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, यदि इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्या हमने वृद्धि कर दी? बिल्कुल हमने वृद्धि कर दी। ये वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में आएंगे? ये जो अनुपात मिला है हमें, ये बढ़े हुए वेतन का ही अनुपात मिला है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात आगे होगी समझ में? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे यहाँ। 3 व्यक्ति रमेश, सुरेश और दिनेश की बात की जा रही है, जिनके वेतनों का जोड़ दे रखा है हमें। टोटल तीनों का वेतन मिला के हमें दे रखा है 72,000 रुपये। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% तो तीनों क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। क्रमशः ये जो परसेंटेज दे रखे हैं, खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमें जो ए का वेतन पूछा जा रहा है वो बचत के हिसाब से पूछा जा रहा है। ठीक है, वो कितने की बचत कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो बचत का अनुपात दे रखा है वो 8, 9 और 20 दे रखा है। हमें यहाँ पर दे रखा है कि वेतन का इतना प्रतिशत खर्च कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ईजी वे करेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पर हमें बता रखा है कि वेतन का इतना प्रतिशत खर्च कर देते हैं। यदि इतना खर्च कर देते हैं तो बचत कितनी करते होंगे? हमें ये निकालना पड़ेगा कि बचत कितनी करेंगे, और बचत का जो अनुपात हमारे पास आएगा उसको इस बचत के बराबर में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ए का वेतन हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का हमें दे रखा है। करते हैं हम। बात की जा रही है यहाँ पे रमेश की, ठीक है, सुरेश की और दिनेश की। ठीक है, तो इसमें अपने वेतन का 80% खर्च करता है। वेतन, देखिए वेतन का हमें पता है कि 72,000 रुपये, लेकिन अभी हम 72,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमें इस 72,000 का क्या करना है, एक्स मान के चलना है इसको। एक्स गुणा, हमें बताया जा रहा है 80% क्या होता है, खर्च कर देता है। यदि 80% खर्च कर देता है तो बचत कितनी होती होगी? 20% बचत होगी। कितनी होगी? 20% बचत होगी। ठीक है, अनुपात बाद में यहाँ पर बात की जाती है कि 85% खर्च कर देता है तो बचत कितनी होगी?
15% होगी, मतलब 100 टोटल, इसका 15% हमने क्या कर दी, इसकी बचत कर दी, ठीक है। उसके बाद में बात हो रही है दिनेश की, दिनेश कितना खर्च करता है, 75 खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा, 25% बचत करेगा, कितनी करेगा, 25% वह अपनी बचत कर देगा अपनी इनकम की, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड बाय 100 लगाने से कोई मतलब नहीं है, हमारे कुछ सेकंड ही टाइम बचे, लेकिन कुछ टाइम तो बच रहा है, हमें पता है तीनों में परसेंटेज आएगा, कैंसिल कर देंगे हम तीनों को, ठीक है। ये लीजिए हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स गुणा बीस है, एक्स गुणा 15 है और एक्स गुणा 25 दे रखा है, ये आगे दे रखा है हमें, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है और 25 है, तो हमें पता है तीनों किसी एक डिजिट का मल्टीपल है, किसका है, 5 का है, तो ये 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x रेशियो 3x रेशियो 5x, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार करना है, मैंने आपको कहा था कि इनका बचत का अनुपात निकालना है इस 72,000 में से, 72,000 को हमने एक्स मान के कर लिया, वो क्यों किया है, ताकि हमारे पास ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना हो, इजी वे हम इसको कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, इनकी सबके जो बचत आ जाएगी, ये जो हमारे पास बचत आई है कितनी आई है, 4 3 5 एक्स लगा लेते हैं, ठीक है, ये एक्स, ठीक है, ये बचत हम इस बचत के बराबर रख देंगे, ये लीजिए 8:9:20, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालिए, ये किसका है हमारे पास, दिनेश का है, ये सॉरी ये रमेश का है हमारे पास, किसका है, रमेश का, ये सुरेश का और ये दिनेश का पार्ट है, ठीक है, निकाल लेंगे हम, इजी है। देखिए हमें दे रखा है, रमेश की बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो रमेश का दे रखा है हमें 4x, हम रख देंगे 4x बराबर 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात की जा रही है सुरेश की, सुरेश दे रखा है 3x, 3x बराबर 9, ये कितना हो जाएगा, 3 बार x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ये जो मान आ रहे हैं सब अनुपात में आ रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग निकालें समझने के लिए, ठीक है। दिनेश का क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x बराबर कितना दे रखा है, 20, 5 इसको कैंसिल करेंगे 4 बार हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमारे पास रमेश का, सुरेश का और दिनेश का जो रेशियो आया है कितना आया है, 2:3:4, 2:3:4 आ रहा है। हमें ज्ञात करना है ए का, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, रमेश, ठीक है, रमेश का हमें फाइंड करना है, ठीक है। रमेश का कितना दे रखा है हमें, 2:2 दे रखा है, और इनका टोटल कितना आएगा, अनुपातों का योग आएगा हमारे पास 9 आएगा, कितना आएगा, अनुपातों का योग हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। हम रमेश की बात कर रहे हैं, रमेश का रेशियो हमें दे रखा है 2, ठीक है, यहाँ पर टोटल अनुपात कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और किससे, मतलब टोटल जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 72,000 दे रखा है। हम निकाल लेंगे रमेश का कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको हमने कैंसिल आउट किया, 8,000 आ गया ये, तो यहाँ पर टोटल जो रमेश की जो वेतन आ जाएगा, रमेश की इनकम आ जाएगी 16,000 रुपये, ठीक है। आंसर नंबर बी मैच हो रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक महानगर की जनसंख्या दे रखी है हमें 6,22,500, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दे रखा है 43:40, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात देख लेते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर, वुमेन्स और मेन्स, मतलब स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात दे रखा है हमें 43:40। इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अनुपातों का योग 83 जाएगा, 83। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 48% तथा स्त्रियों में 16% हो, तो उस महानगर में साक्षरों की कुल संख्या, ठीक है, कितनी है, तो इसको डबल बार रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, साक्षरों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर बताना है हमें। देखिए हमें दे रखा है टोटल कितनी दे रखी है, 6,22,500 दे रखी है। सबसे पहले हम वुमेन्स की बात करेंगे, वुमेन्स का कितना दे रखा है हमें, सबसे पहले वुमेन्स की बात करते हैं, स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 43:1 दे रखा है, ठीक है। अनुपातों का योग कितना है हमारे पास, 83 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वुमेन्स की संख्या निकाल लेते हैं कि इस महानगर में वुमेन्स की मतलब स्त्रियों की संख्या कितनी है टोटल में से, टोटल हमें कितना दे रखा है, 6,22,500,
ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 322,500। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं मेंस की, मतलब जो पुरुषों की संख्या हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, हमें पुरुष कितना दे रखा है, देखिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास टोटल कितना दे रखा है 622,500, उसमें से स्त्रियों की माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्या जाएगी, 300,000 जो कि पुरुषों की संख्या होगी। बात आ गई समझ में, दोनों हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे साक्षरों की संख्या, ठीक है। साक्षरों के बारे में बात करेंगे, साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल साक्षरों की संख्या निकालनी तो उसके लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमें। दोनों के बारे में बात करेंगे हम, हमें दे रखा है यहाँ पे मेंस की कितना दे रखा है, 3,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 300,000, सॉरी 3,000 दे रखा है। और इसका प्रतिशत दे रखा है हमें 48%, ठीक है। हम प्रतिशत सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं, इसको योग करना है हमें, टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 322,500, ठीक है, गुणा। और महिलाओं का कितना दे रखा है हमें, 16% दे रखा है। तो हम 16% निकाल लेंगे इसका, ठीक है, बटे 100 करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए करते हैं हम आगे इसको, देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, इसको करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,400। कितना आ जाएगा, 14,400 प्लस हम इस वाले की बात करेंगे अब, ठीक है, 2020 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और इसको करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 51,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51,600 आ जाएगा, ठीक है। हमें इसका टोटल आंसर चाहिए तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66,000। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या याद करना है, पुरुषों और महिलाओं का दोनों का कुल साक्षरों की संख्या, इस महानगर में साक्षरों की कुल संख्या याद करनी है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों की बात कर रहा है। इनको जोड़ा हमने, इनका 48%, 16% जो साक्षरता जो प्रतिशत दे रखा है वो निकाला, आंसर आ गया हमारे पास 66,000, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, आज की क्लास में अब तक का सबसे अच्छा और सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियां व लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 16:9, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है, पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रतिशत में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 16:9 है। अनुपातों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। बात की जा रही है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या याद करेंगे, ठीक है, बॉयज़ की, ठीक है। तो बॉयज़ की याद करने का तरीका क्या है, बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 9, किस में से, गर्ल्स में से निकालना है। और गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है। देखिए किस प्रकार निकाल रहे हैं, पहले लिख देता हूँ। देखिए बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है, 9:9 दे रखा है, ठीक है। निकालना किस में से, लड़कियों की संख्या 32 दे रखी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स का रेशियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। गर्ल्स की हमें दे रखा है यहाँ पे 32, ठीक है, चलो दोनों की आ गई। अब हमें पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियाँ होगी, हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल जो हमें दे रखा है, 18 + 32 = 50, ये क्या है हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का टोटल है। अब हमें निकालना है, सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है हमें। देखिए गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स निकालना है, गर्ल्स की संख्या परसेंटेज में निकालनी है हमें। गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, ठीक है। और इनका टोटल कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है। प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64 और परसेंट, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, जैसा कि मैंने कहा था आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी अब तक का सबसे अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, यहाँ पर तुलना करवाई जा रही है किसके बारे में, ए और बी के बारे में। देखिए नेक्स्ट लाइन बी और सी से, बी सी से 20% का, मैं यहाँ पर भी मैं तुलना करवाई जा रही है। तो तुलना करने वाले क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं, आपको पता है, तुलना करवाई जा रही है किसके बारे में, और ए और बी के, ए और बी के बारे में, मतलब ए की बी से तुलना करवाई जा रही है। तो तुलना वाले को हम कैसे, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए तुलना मतलब यहाँ पर बोला किसके बारे में जा रहा है, ए के बारे में। क्वेश्चन को समझिए,
बी से 40% अधिक है, ठीक है, किससे अधिक है, बी से, तो बी को मानना पड़ेगा, बी को मैंने मान लिया 100, बी को मैंने 100 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा, 40 अधिक है, मतलब 100 से 40 अधिक कर लीजिए 140, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई थोड़ा छोटा कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 7/5, बात समझ में आ गई, ए और बी का रेशियो हमारे सामने आ गया है। अब बात की जा रही है बी और सी के बारे में, इनके बारे में तुलना करवाई जा रही है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन पे लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि बी सी से 20% कम है, कौन है कम, बी कम है किससे, सी से, देखिए तो हमें सी मानना पड़ेगा, सी मान लेते हैं हम 100, कितना कम है, 20 कम है, 100 से 20 कम कर दीजिए, कितना हो गया 80 हो गया, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5, हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, इसका रेशियो आ गया है। तो रेशियो को हम देखिए किस प्रकार करते हैं, देखिए ए रेशियो बी, ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है ए और बी के बारे में, तो 7:5 हमें दे रखा है, यहाँ पर बात की जा रही है बी और सी के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है 4/5 के बारे में, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, जबकि मान तो हमारे पास सेम आना चाहिए ना, बी का, बी ए की तो व्यक्ति, दोनों का अलग अलग मान कैसे आ सकता है, तो इसको क्या कीजिए, समान कीजिए, मतलब ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ताकि ये दोनों आपस में समान हो जाए। नियमानुसार यदि इसको 5 से गुणा कर रहे हो तो आपको इसको भी करना पड़ेगा, इसको 4 से कर रहे हो तो इन दोनों को भी 4 से एक साथ करना पड़ेगा, बात आ गई होगी समझ में, कितना हो रहा है ये 28 रेशियो, ये कितना हो रहा है हमारे पास 20, यहाँ पर ये 20 रेशियो 25, हमें यही तो लाना था, इन दोनों को समान लाना था, दोनों समान आ गए 28 20 और 25, ये किस किस का रेशियो है, ए का बी का और सी का, हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ 28 और 25, मतलब ए और सी के बारे में, निकाल लीजिए ए और सी का रेशियो कितना जाएगा 28:25, ऑप्शन नंबर ए। देखिए परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है कंप्लीट, ठीक है, अब देखिए कंप्लीट हो गया है, हर तरह के हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए, हर टाइप से जो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल, जिस लेवल से एग्जाम में पूछा जाता है पटवारी एग्जाम में, उस लेवल से हमने तैयारी की है, हर तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो लास्ट ईयर पेपर हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि पटवारी एग्जाम में या इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके बारे में हम ध्यान देंगे। धन्यवाद, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।